अच्छा ये सवाल मेरा आप तीनों से है, आपने अपने बारे में कोई वियर्ड न्यूज क्या सुनी आज तक कि आपको लगा कि हैं ये क्या न्यूज आ गई? जैसे 1992 में एक न्यूज आई कि शादी से पहले वर्षा कर रही है हनीमून, बाद में पता चला वो फिल्म थी, हनीमून फिल्म का नाम था। तो ये अच्छा आप अफवाहें भी तो ऐसी बड़ी आती होंगी मैम, आप कोर्स आपको इस न्यूज के बारे में पता होगा। हाँ वियर्ड न्यूज आई थी एक बार, आई डोंट नो मैं याद नहीं कौन सी मूवी के सेट पर थी, तो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि न्यूज आई थी कि मेरे फादर ने मुझे गोली मार दी। बाप रे, अच्छा yes, हाँ। yes. और सब लोग मुझे मतलब सेट पे देख के हैरान होते रहे, आर यू ओके, यू ओके, कुछ हुआ? कीड़े पड़ेंगे इनको। हाँ और हम क्या कह सकते हैं। वर्षा जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे ऐसा पति चाहिए, पुराने इंटरव्यू है, कि जिसकी जैकी श्रॉफ जैसी हाइट हो, अक्षय कुमार जैसी ग्रेस हो और ऋषि कपूर जैसी सॉफ्टनेस हो। ये इंटरव्यू के बाद आपके पास कितने फोन आए कि हम में ये तीनों क्वालिटीज हैं? जैकी श्रॉफ मुझे आइडियल हीरो लगते थे और हर हीरोइन को जब वो देखते थे ना तो ऐसा ऐसे देखते थे तो हर हीरोइन को ऐसा लगता था कि ही इज इन लव विथ मी, यार ही इज डेफिनेटली इन लव विथ मी। तो ऐसी वो ब्रूडिंग आईज, तो मतलब सेड्यूस हो जाए कोई भी हीरोइन, ऐसे उनके मतलब ऐसा उनका लुक था। एक बार शायद मैंने कुछ ऐसा इंटरव्यू में दे दिया कि ही इज माई फेवरेट हीरो, तो विनोद खन्ना जी मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे तो विनोद जी बोले कि वर्षा वो तुम्हारा फेवरेट हीरो है। तो मैं फेवरेट हीरो, मुझ में कुछ पर्सनैलिटी नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं नहीं, आप तो सबसे खूबसूरत हैं, आप तो ही रियली विनोद खन्ना जी मुझे बहुत हैंडसम लगते थे। और हाँ आपका सवाल क्या था ये मैं भूल गई, मैं कभी भूल गया सच में। वो इंटरव्यू की बात चल रही थी कि आपने किसी इंटरव्यू में बोला था। लेकिन हनीमून मैंने मनाया ऋषि कपूर जी के साथ। अच्छा और वो मेरे सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। और राज कपूर का बेटा, और मैं तो सुरेंद्र जी मुझे बोले तुम चिंटू जी से बात करो, तुम खींची खींची से क्यों रहती हो, क्योंकि मुझे उनका बहुत डर लगता था। तो मैं सेट पे आती थी, हेलो चिंटू जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हमारे हम मतलब आपस में ऐसी बातें थी, आज क्लाइमेट बहुत अच्छी है, आज गर्म हो रहा है, आज बहुत ठंडा मौसम है, इसके आगे मैं गई ही नहीं। मुझे लगा वो बहुत खड़ूस हैं, राज कपूर जी के बेटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन इतना खड़ूस क्यों? और अभी मैंने उनका बायोग्राफी पढ़ी, वेरी नाइस, यस खुल्लम खुल्ला उन्होंने सब हीरोइंस के नाम का जिक्र किया है और उसमें मेरा भी जिक्र है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार ना हमने सुना है, ये तो बाकी मंदाकिनी जी बताएंगे, कि मोह माया से दूर ये पहाड़ों पे चली गई थी, वहां पे ऑलरेडी जो ध्यान लगा के बैठे हुए थे उनमें से एक का ध्यान भटक गया, वो आज इनके हस्बैंड है। आप ध्यान लगाने गई थी कि उनका ध्यान भटकाने गई थी, ये किस्सा क्या है? हम सब सुनना चाहते हैं क्योंकि सब न्यूज वीज में आता कि मंदाकिनी जी सब फिल्मों का ये वर्ल्ड छोड़ के चली गई पहाड़ों पे, ध्यान भटकाने गई थी। बस सीरियसली मैम, जब आप गई थी तो क्या मन में आया था? क्योंकि मैंने देखा गई थी हैं, मैं कभी गई नहीं थी। तो फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई आपके हस्बैंड से? बस वो तो फिर एक अगेन एक बहुत लंबी स्टोरी है, आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा, मेरी स्टोरी खत्म नहीं होगी। पर आप कितनी ईमानदार हैं कि आप बता देते कि स्टोरी लंबी, जैसे वो बताती नहीं है कि स्टोरी लंबी है। मतलब नहीं, मजा आता है उसमें, क्या है नहीं अच्छा लगता है मैम। देखो आप हमारे शो पे पहली बार आए, लोग चाहते हैं, हम लोग तो बोलते रहते हैं मैं और रचना जी दोनों। आप बोर हो गए ना? नो मैम, मैं आपको रेडियो की तरह लगती हूँ ना? अरे नहीं नहीं, आप मन की बातें भी पढ़ लेती हैं यार। जनरली बहुत अच्छा लगता है आप बोल रही, पर मैम ऐसे ऐसे सुना था हमने जी, अफवाह थी ऑब्वियसली, अफवाह होगी। मतलब मैं कहीं गई नहीं थी, मेरी मॉम जो है वो हिमाचल से ही है। अच्छा जी, तो आना जाना लगा रहता है हिमाचल। अच्छा जी, तो बस मुलाकात बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है। वाह जी, यहाँ पे आए हुए हैं? जी आए हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सर से बात कर सकता हूँ मैम, आपकी इजाजत हो तो? हाँ कर लो। इनको भी इजाजत दे दीजिए कि ये भी बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, बोल रहे हैं। जी सर, सर आपने कहाँ देखा था पहली बार मैम को? आपने फिल्म में देखा था इनको पहले? शादी से पहले मैंने इनकी मूवी देखी थी, राम तेरे गंगा मैली, कई बार देखी थी। अच्छा जी, तब आप इनको जानते थे? मतलब फैमिली नहीं जानता, मैं नहीं जानता था। तो जब आपको पता चला कि आप इनसे शादी करने वाले हैं, फिर क्या हुआ, कितनी देर बाद होश में आया आप? कितने स्वीट हैं सर,
तो जब ये पहले मिले थे इनको हिंदी आती नहीं थी. अच्छा जी. अच्छा. तो मुझे इनकी मॉम से बात करनी पड़ती थी, वो ट्रांसलेट करके इनको बताती थी. So sweet. तो कितने साल ये चलता रहा कि आपने जो भी बात बोलनी पहले सास को बोलनी पड़ेगी? बस ज्यादा नहीं. कभी दिल की बात करनी होती वो जो सास को नहीं बताने वाली होती. नहीं, तब तक इन्होंने सीख ली थी. तब तक सीख ली थी. बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए. वर्षा जी, हमने सुना है कि आपकी एक ख्वाहिश है कि आप कभी किसी टीवी शो पे जाएं और सामने आदमी आपको बोले कि अरे मैंने सुना है आप तो गाती भी हैं, और फिर आप कहें कि हाँ, और फिर वो आदमी आपको कहे कि प्लीज सुनाइए ना. मैं क्या कहूँ अभी. हो जाए. हो जाए मैम. तो मैं आपको अभी एक मराठी गाना सुनाना please, चाहती हूँ. थिम 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 पानी थिम 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 पानी थिम 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 वर ढगा लगली गड़ पानी थिम थिम गड़ लगली गड़ पानी थिम थिम गड़ रानी गाऊया गानी फिरूया पाखरा संग रामाच्या पारत गार गार वारत अंगाल भिडू दे अंग हे तुझ तुझ न माझ झुळ पाणी थेंब 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 पाणी थेंब 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 पाणी थेंब 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 थेंब. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैम. थैंक यू. थैंक यू सो मच कपिल जी. थैंक यू मैम. इतना खूबसूरत गाया और कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं आप साथ में. वाओ. आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं. मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक. ये संगीता जी ने फोटो डाला है, मरहबा दुबई, आई लव दुबई, हैशटैग बुर्ज खलीफा दुबई, हैशटैग संगीता बिजलानी. वाओ, वेरी नाइस पिक्चर. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. अब पता चला बुर्ज खलीफा इन्होंने खींच खींच के लंबा किया है. That's a good one. मैडम, आपके जाने से दुबई में भी हरियाली आ गई. बुर्ज खलीफा हो या ताजमहल, टूरिस्ट को बस यही पोज देना आता है. संगीता जी, इस बुर्ज खलीफा को दुबई से उठा के कानपुर में रख दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. This is so funny. और दिखाइए, मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है इन पंचगनी विद हबी फॉर अवर सन वेडिंग. है आपकी बेटी की शादी भी होगी मंदाकिनी जी? जी. वाह, क्या बात है. आप सास बन गई. बड़ी खूबसूरत पिक्चर है. नीचे कमेंट्स देखते हैं. आइए, मंदाकिनी जी हैं इसलिए शादी के इतने साल बाद भी हस्बैंड दिल से हंस रहे हैं. मेरे तो जब तक कोहनी नहीं पड़ती तब तक नहीं हंसता. ये दोनों झूले पे तो बैठ गए हैं, अब किसी का वेट कर रहे हैं, कोई धक्का दे तो हम झूला भी ले लें. तो हम झूल भी लें. ये समझदार है, इन्होंने झूले पर गद्दी लगाई है. मैं बिना गद्दी वाले में बैठ गया था, अब तक झूला मेरे पीछे छपा हुआ है. और दिखाइए, दूल्हे के बाप होकर भी आप कितने रिलैक्स हैं. मेरे पापा तो हर 5 मिनट में आकर बोल रहे थे अपने दोस्तों को बोलना पी के फैल ना जाए. और दिखाइए, वर्षा जी ने फोटो डाला हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, वेरी नाइस पिक्चर. वर्षा, ये कहाँ की फोटो है? ये कौन सी भूत जैसी पिक्चर? और अच्छी नहीं मिली आपको मेरी पिक्चर? हमें माफ कर दीजिए. चलिए इस बार माफ करती हूँ. आपने वही बात कर दी, एक बीवी अपने पति के लिए 2 टाई लेके आई, लाल और नीले रंग की. उसने लाल पहन ली, कहती मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगी मेरी पसंद. तो नीली भी आपकी, लाल भी आपकी, दोनों आपकी हैं. बड़ी खूबसूरत पिक्चर है हमारे लिए. आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स. ये सारे गिफ्ट आपको मिले हैं या आपका पैकिंग का भी काम है? मेरी शादी में भी 4 प्रेशर कुकर गिफ्ट में आ गए थे, 1 में खाना बनता है, 3 में हमने मनी प्लांट लगा रखे हैं. लड़की सुंदर हो तो गिफ्ट का पहाड़ लग जाता है, हम जैसों को तो व्हाट्सएप पे गुलदस्ते आते हैं. बात तो ठीक है. और दिखाइए, संगीता जी ने फोटो डाला है, हेलो अप्रैल, काफी इंग्लिश लिखी है आपने. गुड़ी पाड़वा. सीधे कमेंट्स ही पढ़ते हैं हम. हाँ जी.
वाओ गुड़गांव हैं अबे गुड़गांव नहीं गॉर्जियस और दिखाइए वैसे तो फ्रूट मुझे महंगे पड़ते हैं लेकिन अगर आप मुझे बताएं आप इस दुकान पे कब आती हैं तो मैं अपनी एफडी तुड़वा के फ्रूट खरीद सकता हूँ एफडी तुड़वा के वाह और दिखाइए आपके लिए एक शेर कहाँ सेब कहाँ अंगूर कहाँ आड़ू नौकरी पे ध्यान दूं या आपको ताड़ू देखो आप कोई भाई साहब लिखते हैं हे ऊपर वाले सब्र का फल चाहे मुझे मिले ना मिले बस ऐसी फल वाली मिल जाए बहुत ही उच्च विचार हैं आपके आइए नीचे कमेंट्स और देखते हैं मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है बिहाइंड द सीन्स माँ ओ माँ आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं बड़ी खूबसूरत पिक्चर है आपके दीवार को प्लास्टर की जरूरत है मैं मिस्त्री का काम करता हूँ अच्छा आगे उनको रिप्लाई किया किसी ने कि अरे वो डिजाइन है उसने फिर रिप्लाई किया कोई बात नहीं मैं गमले में पानी भी डाल सकता हूँ वो ढीठ है हटिन रहा है उसने फिर लिखा गमला भी आर्टिफिशियल है उसने वापस लिखा लगता है आप मेरी नौकरी नहीं लगने देंगे और दिखाइए ये कुएं से पानी लेके आ रही थी कोई इनका मटका छीन के ले गया मैडम क्या सेम पोज बनाकर आप हमारे कमर दर्द नाशक बाम का ऐड कर देंगी इंटरेस्टेड हैं तो डीएम करें वाह अभी और दिखाइए वर्षा जी ने फोटो डाला है थैंक गॉड ये जरा सही लग रही है आइए कमेंट्स देखते हैं आप टोपा लगा के भी सुंदर लग रही हैं मेरी वाइफ लगा ले तो चौकीदार लगती है वाट लग गई फोटो की वर्षा जी आज पहली बार उस गांव को छोड़कर इस गांव आई हैं वाह वेरी नाइस वर्ड प्ले वर्षा आती है तो हम पकौड़े बनाते हैं हमने पकौड़े बना लिए हैं आप कब आएंगी और दिखाइए खत्म For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.